बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन फिल्मी दुनिया के जाने माने एक्टर्स में एक हैं। इस समय अजय अपने कई सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड के सिंघम ने एक बड़े बजट की फिल्म को साफ मना कर दिया है, जिसे जानकर अजय देवगन के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय ने यशराज फिल्म्स की लगभग 200 करोड़ की बजट की फिल्म ठुकरा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य चोपड़ा ने आहान पांडे के साथ अजय देवगन को इस फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया था। साथ ही साथ इस फिल्म को 180 करोड़ बजट बनाने की तैयारियां भी चल रही थी। इस फिल्म का डायरेक्शन शिव रावल करने वाले हैं। हालांकि अजय के पास पहले ही कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और फिल्म के लिए डेट्स न होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजय की फिल्म में भूमिका काफी पावरफुल थी, लेकिन काफी सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से अजय ने फिल्म को करने से मना कर दिया है। वहीं आदित्य चोपड़ा भी इस फिल्म को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आहान कई सालों से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। वो अभी भी इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म को साल के अंत तक होल्ड पर डाल दिया गया है। अगर अजय के पास फिल्म को करने के लिए डेट्स रही तो इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। बता दें कि अजय देवगन इस फिल्म में विलेन के किरदार में दिखने वाले थे। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए अजय को काफी मोटी रकम भी ऑफर की गई थी, लेकिन डेट्स के चलते उन्होंने प्रोड्यूसर आदित्य को मना कर दिया। फिलहाल अजय के पास कई सारे फिल्में हैं, जिसमें फुज द काइट ऑफ इंडिया इस साल के ईद के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में अजय के साथ संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के अलावा अजय संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ में नजर आने वाले हैं, जिसमें अजय के साथ आलिया भट्ट को एक्ट्रेस के रूप में नजर आने वाली हैं। ये फिल्म भी इस साल 31 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। वहीं अजय एसएस राजामौली की फिल्म RRR में भी नजर आने वाले हैं। जी3 न्यूज़।